हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं 5.6 का, यानी कि लाइट ब्राउन विथ रेड टोन का हेयर कलर। ये अपन 5.4.6 लेवल के नेचुरल वर्जन हेयर पे कर सकते हैं और ये ग्लोबल कलर के लिए भी होता है। ये हमारे पास 5.6 का कलर का ट्यूब है जो कि लाइट ब्राउन रेड टोन में आता है। इसको हम सिर्फ ग्लोबल कलर में ही करेंगे, हाईलाइट्स पे नहीं करेंगे, ग्लोबल पे ही लगाएंगे, स्कैल्प में नहीं लगाएंगे, टचअप पे नहीं लेंगे। लेंथ का कलर है ये, बहुत अच्छा लगता है होने के बाद। रेडेड टोन आता है, जिनको रेड टोन का ग्लोबल कलर पे चाहिए हो उनके ऊपर ये कलर आप बेफिक्र होकर करिए। ये कलर जिन्हें ग्लोबल हाइलाइट्स वगैरह करा रखा, उनको नॉर्मल बेस चाहिए है तो उनके ऊपर भी अच्छा लगेगा। आप ये 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ कर सकते हैं, 30 वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं। अगर वाइब्रेंट चाहिए है काफ़ी तो 30 वॉल्यूम के साथ करिए, और अगर नॉर्मल ग्लोबल बेस चाहिए है, थोड़ा रेडिश टोन चाहिए, तो 20 वॉल्यूम के साथ करेंगे। 20 वॉल्यूम के साथ ग्लोबल पूरा लगाएंगे, ग्लव्स पहन के बराबर पूरे स्केल पूरा टचअप छोड़ के। टचअप आप नॉर्मल 5 का करिए, नहीं तो रेड रेड हो जाएगा पूरा। 35 मिनट्स आपको मालूम है इसकी टाइमिंग है, 35 मिनट्स के आसपास हम ये कलर रखेंगे, रेडिश टोन पे ही आएगा ये कलर, नॉर्मल नहीं आएगा। 35 मिनट्स रखने के बाद इसको हम वॉश करेंगे। आप कलर प्रोटेक्टर शैम्पू यूज़ करिएगा और विटामिनो कलर यूज़ करिएगा। आप विटामिनो कलर का ही मास्क यूज़ करिएगा, नहीं तो कलर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है अगर अपन किसी और शैम्पू से वॉश करते हैं तो। जब भी अपन ग्लोबल कलर करेंगे तो कलर प्रोटेक्टर ही शैम्पू यूज़ करना है सलोन में। उसके बाद फुल ड्राई करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे, 100% ड्राई करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें रेड टोन आ गया, कितना मतलब फाइन, ये एकदम ग्लोबल कलर। आप सोचिए किसी फेयर इंसान के ऊपर अपन करेंगे जिसका फेयर कलर होगा, पहले ये ऐसा था ब्राउन था, अब थोड़ा रेडिश।